जैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आज सेकंड चैप्टर के बोर्ड इम्पोर्टेंट 2024 के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे रहने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं अंक विभाजन कैसा है सेकंड चैप्टर का, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं सेकंड चैप्टर से। तो एक MCQ क्वेश्चन आने वाला है आधे मार्क्स का, एक क्वेश्चन आने वाला है अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, और एक ही लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आने वाला है 1.5 नंबर का। मतलब इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन कोई आने नहीं वाला है, कुल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का चैप्टर हो गया। ठीक है साहब, फिजिक्स दोस्त चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से है ना, MCQ जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं इस चैप्टर से, उससे रिलेटेड बात करते हैं। आपको दे रखा है किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है और विभव कितना है 300 वोल्ट है, तो ये दूरी कितनी है। तो फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल टू V बाई डी। V यहाँ पे विभव दे रखा आपको 300 वोल्ट, आपसे दूरी पूछी है ना, डी पूछी है 300 डिवाइड बाई डी। अभी इसको अगर आगे सोल्व करते हैं अपन तो डी इक्वल टू बन जाता आपका 300 डिवाइडेड बाई ई, ई दे रखा आपको 50, तो आंसर आ जाता है आपका 6 मीटर। तो आंसर है सी ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाते हैं, मतलब समान समान आवेशों को लाते हैं, नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास आ रहा है, जब नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास आता है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास आता है तो भी उत्सर्जित ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये दोनों केस अपने को ध्यान रखना है। समान प्रकृति के पास लाने पर ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित कर दिया जाता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है और बैटरी को हटा लेते हैं अपन। ठीक है, अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा देते हैं। जैसे आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई तो C बराबर फॉर्मूला लगता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, बीच की दूरी बढ़ाई तो धारिता हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धारिता में कमी आ जाएगी, धारिता कमी होगी तो विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो विभवांतर में तो वृद्धि होती है और धारिता में क्या होती है, कमी होती है संधारित्र की। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है दोनों प्लेटों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर V और आवेश Q तथा धारिता C में क्या संबंध होता है। तो कंसेप्ट ये कहता है Q समानुपाती V होता है, तो Q समानुपाती V है तो समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, C V आएगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, C V होता है। तो Q इक्वल टू C V वाला कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सर Q इज इक्वल टू C V कहीं नहीं दे रखा है, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी। यहाँ से देखो आप, यहाँ से V निकालोगे, V बराबर क्या हो गया, क्यू बाई सी, तो आंसर C वाला सही हो गया आपका। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है, तो हमेशा हम जानते हैं जो विभव होता है वो दूरी के साथ घटता है, तो तीव्रता भी दूरी के साथ घटती है, तो एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, E इक्वल टू माइनस dV बाई डिया। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सम विभव पृष्ठ दे रखा है, सम विभव पृष्ठ में से पारित, पारित मतलब निकलने वाला फ्लक्स कितना रहता है, तो हमेशा याद रखना है पारित फ्लक्स हमेशा लंबवत होता है, पृष्ठ के कैसे निकलता है फ्लक्स, लंबवत निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान शून्य है, E का मान क्या है, शून्य है, तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा, विभव हमेशा नियत रहने वाला है। E अगर का मान शून्य है ना, जहाँ E की वैल्यू शून्य है वहाँ V क्या रहने वाला है, नियत, स्थिरांक। V हमेशा कांस्टेंट होता है, V हमेशा कांस्टेंट होता है E अगर नियत है तो। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई क्यू, W क्या हो गया आपका, जूल हो गया, और क्यू का क्या हो गया, गुलाम हो गया, जूल पर गुलाम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक परीक्षण आवेश को अनंत से
एक परीक्षण आवेश आपके पास है, परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते हैं अपन। परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से लेके आना है। अनंत से लेके आना है किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबर तक। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू को अल्प दूरी पर रख दो आप, है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू को अल्प दूरी पर रख दो आप, ये बन जाता है विद्युत द्विध्रुव के लंबर तक। ये होता है लंबर तक, इसके अनुदिश लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसे लेके आ रहे हैं अपन, अनंत से आवेश को ऐसे लेके आ रहे हैं अपन। तो किया गया कार्य कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से और यहाँ से दूरी तो बराबर रहने वाली, तो कार्य का जो फॉर्मूला बनेगा दोनों की वजह से बनेगा, तो दोनों की वैल्यू समान है, देखो परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो कुल कार्य बन जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वायु संधारित्र में यू नोट ऊर्जा संचित है। वायु भरा हुआ है संधारित्र के अंदर और ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको, यू नोट दे रखी। एक परावैद्युत की पट्टी का जिसका परावैद्युतांक के इसमें प्रवेशित कराने पर, इसके अंदर अपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया कि, तो ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, तो अपने को ध्यान रखना है ऊर्जा का मान, है ना, ऊर्जा का मान हो, पांच चीजें ऐसी है जो परावैद्युतांक भरने से क्या हो जाती, घट जाती है। तो बल परावैद्युतांक से घटता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक से घटती है, ऊर्जा परावैद्युतांक से घटती है, विभव परावैद्युतांक से घटता है, धारिता परावैद्युतांक से बढ़ती है। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा पूछी गई है, तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नई ऊर्जा जो हो जाएगी वो 1/k टाइम्स हो जाएगी पुरानी की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो धारिता का सूत्र जो होता है, धारिता सी इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू का हो गया आपका कूलम और वी का हो गया आपका वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ा दो, तो सी क्यू की वैल्यू बढ़ा दो आप, तो क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी, वी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्लेटों के बीच धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विभवांतर क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में क्या जोड़ दिया जाए, तार जोड़ दिया जाए, तार जोड़ रहे संधारित्र मान लो आवेशित है, तार जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, तो इस पर धनावेश मान लो और इस पर मान लो ऋणावेश। जैसे आपने तार जोड़ा है तो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, निरावेशित कर लेंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में तार जोड़ते हैं तो संधारित्र क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। अब देखते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 क्या है आपकी, किसी आवेश की। अब यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अच्छे से समझने हैं आपको। किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव हमेशा 0 माना जाता है। अनंत पे विभव कितना माना जाता है, 0 माना जाता है, अनंत पे विभव 0 होता है। एक नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, उसके लिए सोल्व कर रखा है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो कौन सा व्यंजक लिखना है, के Q1 Q2 / R1 वाला। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, यह सदिश है या अदिश है। तो विभव की परिभाषा क्या होती है, अनंत से V बराबर W/Q होता है, अनंत से आवेश ला रहे हैं, अनंत से धनावेश को या परीक्षण आवेश को, धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कौन सी राशि, तो याद रखना अदिश राशि है। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। अगला है, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है, जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। उदाहरण दीजिए, बिल्कुल हो सकता है ना, विद्युत विभव शून्य हो सकता है जब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है,
तो क्रिया का कार्य सदैव कितना होता है, जीरो होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है, तो निरक्ष पर विभव जो होता है वो भी जीरो होता है। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पर निर्भर करता है। तो ए कौन हो गया, क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, उसके अलावा माध्यम पर, माध्यम पर भी निर्भर कर। एक एक नंबर का जो सवाल आएगा उसको कवर करना आपको। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद्युत धारिता का मात्रक, आप अच्छे से याद कर लेना इसको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब परावैद्युतांक, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदैव शून्य होती है। आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी आवेशी चालक के उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा सिग्मा बाय कितना होता है, टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अपन ने देखे थे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको, एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ऐसा पृष्ठ होगा आपका। धनावेश से तीव्रता कैसे निकलती, बाहर निकलती। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, तो विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में कमी को, दूरी के साथ विभव में कमी, दूरी के साथ विभव में कमी, विभव प्रवणता। मात्रक इसका होता है वोल्ट पर मीटर। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। ऐसा एक रेखीय आवेश, मतलब ऐसा एक आवेश होगा उसके लिए समविभव पृष्ठ खींचना, ऐसा ऐसा समविभव पृष्ठ बन जाएगा आपका। संधारित्र को परिभाषित कीजिए, एक युक्ति है जो आवेशों को आवेशों को क्या करती है, स्टोर करती है। बड़ा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉलर विभव का मान लिखिए। केंद्र से स्मॉलर दूरी पर V बराबर आता है आपका KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब चित्र दे रखा है, इसमें आपको बतानी तुल्य धारिता कितनी है। तो भाई इन दोनों को क्या करेंगे अपन, पहले श्रेणी क्रम में सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, श्रेणी क्रम में सोल्व कर लेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में ऊपर मल्टीपल के नीचे एडिशन, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे भी आ जाएगा 4, कैंसिल आउट हो गया, 1 बनेगा, 1 माइक्रोफेरेड। इधर भी क्या बनेगा, 1 माइक्रोफेरेड। तो नया चित्र क्या बनेगा आपका, ए की जगह ए दिख रहा है, बी की जगह बी दिख रहा है। इधर इसका आंसर कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड। इधर इसका आंसर कितना आया, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड। दोनों समांतर क्रम में, समांतर में क्या होता है, सीधा जुड़ता है, तो टोटल कितनी धारिता आ जाएगी, 2 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उसी बिंदु पर विभव शून्य न हो। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा केस होता है जहाँ विद्युत विद्युत द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट पर ना, विद्युत द्विध्रुव के यहाँ सेंटर पॉइंट पर माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर विद्युत विभव तो शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। विद्युत विभव तो शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, कहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं डेढ़ अंक के जो सवाल आने वाले हैं ना, डेढ़ अंक के जो सवाल आने, एक एक अंक के तो अपन ने देख लिए सारे के सारे, अब जो डेढ़ अंक के आने वाले हैं उसको अपन देख रहे हैं कौन कौन से हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच की पृथक मतलब दूरी कितनी, स्मॉल डी है, तो धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको पूरा का पूरा समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, बिंदु आवेश वाला सी वी बराबर के क्यू बटा आर वाला आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है इस टॉपिक के अंदर। तीन बिंदु आवेशों के निकाय वाला एक ऐसा चित्र है आपका, तीन बिंदु आवेशों के निकाय वाला, अनंत से तीनों आवेशों को लेके आते अपन Q1, Q2, Q3। इसकी जो ऊर्जा बनती है आपकी वो बन जाती है K Q1 Q2 / K Q2 Q3 / R23 + K Q3
डिवाइड बाय R13, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 12, ये दूरी हो जाएगी आपकी 13, ये दूरी हो जाएगी आपकी 12, ये दूरी हो जाएगी आपकी 23। इस तरह का डेरिवेशन करना है। तीन संधारित्रों के समांतरक्रम श्रेणी क्रम को समझाओ। तो श्रेणी क्रम वाला भी इम्पोर्टेंट है और समांतर क्रम वाला भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य आपको तुल्य धारिता बतानी है। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बतानी है। तो वही कंसेप्ट है, पहले अपन इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में सोल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में सोल्व कर लेंगे। समांतर में इसका आंसर कितना आएगा, 8 माइक्रोफेरेड सीधा जुड़ता है। इन दोनों का कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड सीधा जुड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ 8 और 8 वापस कौन से आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ये दो और ये दो किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। श्रेणी क्रम में ऊपर गुणा नीचे जोड़ करके इसको अपन खत्म कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। धन्यवाद।